नमस्ते सत श्री अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे फरवरी 12th से फरवरी 29th तक क्या कुछ पॉसिबल है, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हम चेक करेंगे। सो आपके सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपने रीडिंग में आप जा सकते हैं। हम पहले चेक करेंगे रिलेशनशिप, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, उसके बाद कॉन्टैक्ट में जो है उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, यू नो, आपकी हेल्थ ओवरऑल हम चेक करेंगे उसके बाद। और फिर लास्ट में गाइडेंस भी हमेशा की तरह हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो ये रीडिंग आपको पता है कि आपको कैसे देखनी है। जिस तरह से आप देखते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही आपको चेक करना है सन मून राइजिंग आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वीनियंट है आप, जैसे आप हमेशा देखते हैं अपनी राशि को वैसे ही आपको देखना है, ठीक है। सो यस, आई होप कि आप लोगों को अब अपनी ज़ोडियक साइन देखने की आदत हो गई होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखना है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि इस तरह से हम देखें। सो जैसे आप चेक करते हैं हमेशा अपनी राशिफल को, वैसे ही आपको चेक करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 12 फरवरी से 29 फरवरी आपके लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, बिजनेस करियर, फाइनेंस में क्या आ रहा है, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, एवरीथिंग, ठीक है। अब सारी रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टाइम स्टैम्प्स पर जाकर अपनी रीडिंग पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। वैन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 12 फरवरी से 29 फरवरी। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 12 फरवरी से 29 फरवरी उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन, प्लीज गाइड। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 10, 8, 4, 4, 10, 3, माय गुडनेस, 4, 9, 13 and 5, ओके। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपसे, मतलब अपनी ओवरऑल लाइफ में ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। इस सेपरेशन को ख़त्म ज़रूर करना चाहते हैं इंसान, ये चाहते हैं कि ये जो साइकिल है ये कंप्लीट हो आप दोनों के बीच, जो बार बार लूप में चलता है, बार बार सेपरेशन आता है, ये ख़त्म हो, यही चाहेंगे। फीलिंग्स इनकी ऐसी रहेगी आपको लेके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान जो है ना, नज़र आप पे बना के रखेंगे इस टाइम पे, बहुत आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी नज़र होगी, या फिर आपके डोर, विंडो, टेरेस, बालकनी पे आपकी नज़र होगी। ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी इस टाइम पे। ये आपसे कॉल, मैसेज, ट्रैवल जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चाहेंगे कि आप इनको कॉल करो, मैसेज करो, आप इनके टूवर्ड्स एक्शन लो, आप इनसे मिलने आओ, यू नो, ऐसा कुछ चाहेंगे आपसे। एक स्पीड, एक ग्रोथ ये इंसान आपसे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या लगेगा इनको? ऑब्स्टिकल इनको ये लगेगा ना कि बहुत साइलेंट है, या तो आप साइलेंट है, या तो फिर चीज़ें जो हैं दोनों के बीच वो एक हीलिंग नहीं आती है। हीलिंग का मतलब क्या होता है ना, लाइक आप दोनों जुड़ने के बाद भी एक दूसरे को हील करना होता है। हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो एक दूसरे को मतलब बात करके या फिर कनेक्ट करके हमें एक सुकून, एक शांति जो मिलती है वो भंग हो जाती है आप दोनों के बीच। दोनों का ही ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों का, या फिर एक इंसान का ईगो यहाँ बहुत ज़्यादा है, इनको आपका ईगो लगता है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं। सो एक हीलिंग जो है वो मिसिंग होती है आप दोनों के बीच, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आपको ये इंसान हालांकि सर्वगुण संपन्न में ज़रूर देखते हैं, या तो फिर आप इनको फाइनेंशियल हेल्प करते हो, या फिर यू नो
आपके रहने से इनका फाइनेंस अच्छा रहता है, आपको लकी शाम अपना मानते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी है। लेकिन ओवरऑल इनकी जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक वो एम्परर की एनर्जी है, मतलब बहुत इगोइस्टिक इस टाइम ये इंसान रहेंगे, बहुत ज़्यादा ईगो में, बहुत एरोगेंट इस टाइम बिहेव करेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आपकी एनर्जी, आप ओवरऑल अपने लाइफ में बहुत हर्ट हैं, इनसे दूर होकर में भी आप हर्ट हैं या फिर आप बहुत तकलीफ में हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, आप अपने आप को बहुत चेंज करना चाहते हैं, आप ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं कि ये इंसान आपके ऊपर से नज़र नहीं हटा पाए, ऐसे एक एनर्जी में आप टैप इन करना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स आपकी है और ये इंसान से भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। इंटेंशन, आप भी इनकी तरह ईगो में आना चाहते हैं, आप भी अपनी एनर्जी इनकी तरह बनाना चाहते हैं। सो इंटेंशन आपकी ऐसी है ना कि आप इनके जैसा बनना चाहते हैं, जैसे ये ईगोइस्टिक है, जैसे ये अपने तरीके से इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाते हैं, वैसे ही आप इनके जैसा बनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। इनसे आप क्या चाहते हो, एक मैच्योरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान मैच्योरिटी के साथ ये रिश्ता निभाएं, इमैच्योर एनर्जी में ये इंसान ना आए, थोड़े से मैच्योर होएं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होएं और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करें, आप इनसे ये चाहते हो। ऑब्स्टिकल क्या है, मे बी ये इंसान बहुत रूडली बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी जज करने में आपको या फिर कुछ सुनाने में आपको, इनको थोड़ा भी मतलब सोचते नहीं है इंसान, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। बार बार अपने लाइफ सबको कट ऑफ करना, फिर आपके लाइफ में वापस आना, फिर आपको कट ऑफ करना, ऐसी एक एनर्जी है जिससे कि आप परेशान हैं। सो आप इनसे ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, रिबर्थ आप ज़रूर चाहते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव वे में, ये इंसान सुधर के आए आपके पास, आप ये चाहते हो, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपकी रहेगी, इनको मिस करोगे आप और डिसअपॉइंट रहोगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। तो जो फीलिंग्स आपकी है ना कि अपने आप को आप चेंज करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग, हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे मकर राशि वाले, उनकी क्या, उनके लाइफ में क्या पॉसिबल इस टाइम पे। फ्रेंड प्लीज़ गाइड, मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मकर राशि वाले व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 12 फरवरी से 29 फरवरी क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने, राइट, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 10, 9, 5, 3, 10। ओके, सो आप मुझे एक स्टेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट करते दिख रहे हैं इस रिश्ते में। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो अपने तरफ से एफर्ट्स लगाओगे आप और एक स्टेबिलिटी की कोशिश करोगे। अगर चीज़ें बहुत सही नहीं चल रही थी पास्ट में, तो इस टाइम आप कोशिश करोगे कि सब कुछ सही चले, आप दोनों के बीच खुशियाँ हों। और ये इंसान भी मुझे आपके साथ एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं, हमेशा आपके साथ एफर्ट्स लेने की कोशिश ये इंसान करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हालाँकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लैकिंग एनर्जी दिख रही है, वो आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे, कि या तो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके हैं या फिर इस रिलेशनशिप में आपको कुछ लैकिंग लग रहा है, या तो इनकी तरफ से कोई एक्शन या फिर एफर्ट्स आपको लैकिंग लग रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा लैकिंग एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान से मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं आप, लेकिन फाइनेंशियली ये इंसान जो है वो इतने स्टेबल नहीं है, जिसके चलते आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन एक क्लियरिटी इस टाइम आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक क्लियरिटी की है। सो इस टाइम आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी। ये इंसान या तो फाइनेंशियल आपके कंपैटिबल नहीं है, मतलब आपके लायक नहीं है, या फिर ओवरऑल जो आप इनको देख रहे हैं ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, मतलब आप इनसे मैरिज करो या इनके साथ आप ज़िंदगी जियो। प्यार आप ज़रूर करते हो इनसे, फीलिंग ज़रूर है आपके मन में, लेकिन ऐसी आपको फीलिंग्स होगी कि ज़िंदगी कैसे बिताओगे आप इनके साथ, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एफर्ट्स नहीं लेते हैं, जो कि आपको लैकिंग लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि हमेशा आप एफर्ट्स नहीं ले सकते हैं, कभी इनको भी एफर्ट्स लेना होगा, जो कि ये ट्राई कर रहे हैं। ये इस टाइम कोशिश करेंगे टीम वर्क का, जिस तरह से आप एफर्ट्स लगाते हो उस तरह से एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ मिलके कोई टीम
टीम वर्क करना चाहेंगे, मतलब बिजनेस करना चाहेंगे, ऐसा कुछ अपने फाइनेंस को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। ऑब्स्टिकल क्या होगा, दोनों अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएंगे, अपने मन में फीलिंग्स रखेंगे। इस टाइम रिश्ता आप दोनों का जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, इमोशनल कम होगा, मुझे ये दिख रहा है। हालांकि आउटकम मुझे दोनों ही इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, रिश्ते को अपग्रेड करना है, एफर्ट्स लगाने हैं, इस तरह की एनर्जी, स्टेबिलिटी लानी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो इस टाइम में क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी आपके पार्टनर के बिहेवियर से और यूनिवर्स से, या फिर किसी ना किसी तरह से। एक फॉगी अगर एनर्जी आपकी है, इनको लेकर अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं, तो इस टाइम आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये थी जो कॉन्टैक्ट में उनकी रीडिंग। हम चेक करेंगे मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है ओवरऑल लाइफ में इस टाइम पे। एंड प्लीज़ गाइस, मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 12 फरवरी से 29 फरवरी, उनकी बिजनेस करियर, फाइनेंस, हेल्थ में क्या पॉसिबिलिटीज, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मकर राशि वाले। एंड प्लीज़ गाइस, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। माउंटेन, प्लेन, फायर, लक, ऑल एंड जजमेंट एंड अबंडेंस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स क्लैरिफाई इट। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 1, 22, 26, 10, 19, 23 and 14। ओके, प्लीज गाइड, माउंटेन की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस, बट रिमेन कॉशियस। देखिए, कुछ ऐसा है आपके लाइफ में कि आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी सोच समझ के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करें, विश्वास करें। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, कोई मेंटोर है आपका, कोई गुरु है आपके, उनके ऊपर सोच समझ के ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, मेंटोर और गुरु मैंने क्यों कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत मानते हैं और उनके बाद हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है, लेकिन कभी कभी आपको भी समझना होता है कि यू नो, क्या सही है और क्या गलत है। किसी के गलत को सही कहने से वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। बहुत लोगों का कहना होता है कि जो बलि हम देते हैं, जानवरों की बलि जो हम देते हैं, वो गलत होता है। कुछ लोग कहते हैं वो सही होता है, कुछ गुरुओं का कहना है कि वो सही है, कुछ लोगों का कहना है कि वो गलत है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सही और गलत की पहचान आप करें। आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ आपको अब खुद से भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। सो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आपका, जिसे कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, जो कि जो भी बोल रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। या फिर कोई गुरु, कोई मेंटोर, ऐसे कोई इंसान, ठीक है। सो अगर कंफ्यूज्ड भी हैं आप, तो फिर भी सॉरी कंफ्यूज्ड भी हैं आप तो भी आपको आँख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है ये, ठीक है। प्लेन की एनर्जी आपके करियर में है। अ जर्नी इज़ इंडिकेटेड ईदर फिजिकल और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। कुछ ना कुछ यहाँ आपको मिलता दिख रहा है मुझे करियर में। कुछ लोग मुझे यहाँ पर रिलोकेट करने का अगर सोच रहे थे, इस टाइम पे आप कर सकते हो रिलोकेट। बहुत सारे ऑप्शंस अगर आपके पास थे करियर के और आप कन्फ्यूज थे, तो यू नो, वहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। मुझे एक बैलेंस आता दिख रहा है आपके करियर में। अगर बहुत दिन से ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे करियर में, इस टाइम थोड़ा सा बैलेंस आप फील करोगे, थोड़ा सा स्टेबल होता दिख रहा है करियर आपका मुझे, ठीक है। इस टाइम पे जो लोग बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो इस साल ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। ये साल बिजनेस का ही साल है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं बिजनेस कर सकते हैं, यू नो, पैसा कमाने का ईयर है ये, ठीक है। नंबर 8 है ये साल, और इस साल जितना मर्जी उतना पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत से, ठीक है। लेट गो ऑफ इमोशंस, अपवील एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंस। तो मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए, अगर आप सेपरेशन में हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप को, वो हील होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी दिख रही है बॉटम ऑफ द डेक। सो रिलेशनशिप के लिए मुझे दिख रहा है कि
मैनिफेस्टेशन से फ्यूचर में, अभी बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में आप जो हैं अपने पार्टनर से रिकनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि पास्ट का वुंड्स, हर्ट्स अगर कुछ रखा है आपने, रिलीज करें उसको, ताकि न्यू कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सके। ठीक है, मैरिज वगैरह का अगर आप देख रहे हैं तो उसको मैनिफेस्ट करें ताकि वो चीज़ें यहाँ पे हो सके पॉसिबल। अब जो भी आप सिंगल हैं, अगर किसी को अपने लाइफ में चाहते हैं, करंट पार्टनर से अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, एक्स पार्टनर अगर आप अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, या फिर मैरिड लाइफ अपनी सही करना चाहते हैं, तो अगर पास्ट के वुंड्स, हर्ट्स कुछ हैं आपके जो कि आपने रखे हैं अपने दिल में, आपने नहीं निकाले हैं, सबको रिलीज़ करें, एकदम दिल अपना खाली करें, ताकि नई एनर्जीज, जो नई ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं, वो आप रिसीव कर पाओ। ठीक है, अहो कार्ड्स गिर गए, एक मिनट। सो अगर यहाँ पे आपको इमोशनली आप रेस्टलेस फील करते हो, या एनजाइटी अटैक, या डिप्रेशन, या माइग्रेन, या ऐसा कुछ इशू अगर आपको है, तो यू नो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ जो है यहाँ इम्प्रूव होते दिख रही है। ठीक है, माय गुडनेस, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होते दिख रही है यहाँ पे। जॉइंट्स में अगर पेन आपको है, आंखों में अगर इश्यूज आपको हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक यू नो हेल्थ अचानक से आपका हील होता दिख रहा है मुझे, मतलब एक अचानक से एक अच्छी एनर्जी फील करोगे आप, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे यहाँ पे, कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, जो वीडियो के थ्रू, कोई ड्रीम्स के थ्रू, या फिर किसी ना किसी तरह से आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, स्पिरिचुअल मैसेजेस, जिसमें कि आपको भक्ति की वीडियोस दिख रहे होंगे, या फिर यू नो स्पिरिचुअल वीडियोस दिख रहे होंगे, या फिर कोई नंबर्स रिपीटेड दिख रहे होंगे जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हो। मैंने आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको इग्नोर नहीं करना है, अगर आप बार बार अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ सुन रहे हैं, तो आपको पता करना है कि क्या है वो चीज़ें। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में आपको टैप इन करना है जहाँ आप खुद की भी ग्रोथ करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और अपनी जो नॉलेज है वो दूसरे से शेयर करें, और दूसरों को भी गाइड करें आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, कोई क्रिएटिविटी हो सकती है आपके अंदर, जो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि शेयर करने के लिए। ठीक है, अपनी जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपके पास आपके टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, आप में बहुत अच्छा फाइनेंस अगर आपका है, तो शेयर करें दूसरों के साथ। ठीक है, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअल लेसन्स दिख रहे हैं, कुछ आपको यहाँ पे सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, सोल कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है। अब सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है कि ये आपकी आत्मा की जर्नी है, ये आपको समझना होगा, है ना। हम बहुत ज़्यादा शरीर को लेके चलते हैं कि यू नो बहुत ज़्यादा हम सुंदर हैं, बहुत हमारे पास पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ये है वो है, कुछ तो हम लेके जाने वाले हैं नहीं ऊपर, तो क्या चीज़ हमारे साथ जाती है, हमारे कर्मा, है ना। तो ये कर्मा जो आप कर रहे हैं उस पे ध्यान दें, सोल सर्चिंग, क्यों आप इस दुनिया में हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, हर इंसान का सोल पर्पस होता है, सो क्या है आपका सोल पर्पस, उन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी फैमिली के लिए जो कर्तव्य हैं आपके, आपको उसको अच्छे से पूरा करना है, बहुत जल्दी हार नहीं मानना है किसी चीज़ से, क्विट नहीं करना है किसी चीज़ पे, कुछ ना कुछ उसी से आपका सोल पर्पस निकलेगा, बस आप जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, कुछ गाइडेंस हम देख लेते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स, वन मोर टाइम प्लीज। Be honest with yourself. All your feelings, even the difficult ones, have a message for you. Accept your truth. Then let source take it from there. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने साथ आप ऑनेस्ट रहें, अपनी फीलिंग्स के साथ, जो भी फीलिंग्स आपकी है उसको एक्सेप्ट करें, अपनी फीलिंग्स से भागे ना। जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज होते हैं ना, आपके लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उस सब के पीछे कुछ मैसेज होता है, वो मैसेज को समझने की ज़रूरत है, अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, जो भी है उसको सरेंडर कीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपके ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करें। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू, यू आर इवॉल्विंग टू एक्वायर हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी। मैंने बोला ना, कुछ यहाँ ऐसा है जहाँ पर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। अगर नहीं पता है ये सारी चीज़ें, तो यूट्यूब में सर्च करें क्या होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, कैसे हम करते हैं मेडिटेशन वगैरह, कैसे अपने आप से कनेक्ट करते हैं। ये आपका टाइम जो है ना, वाइब्रेशन आपकी हाई होने वाली टाइम है, जहाँ पे आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे है आपकी। ठीक है,
सो माई डियर कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।